अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं जुनेद हलीम। पहले एक नजर दुनिया हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने बाबर आवान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया, 8 मार्च को सुनाया जाएगा। लापता कैदियों के केस की समाअत, अदालत उज़्मा ने हसास इदारों के वकील का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। मेमो कमीशन का इजलास आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है, वकला वीडियो लिंक के जरिए मंसूर इजाज से जिरह करेंगे। सेनेट इलेक्शन कल होगा, असेंबलियों में पोलिंग स्टेशंस कायम। खैबर पख्तूनख्वा में नवाज लीग और काफ लीग का इत्तेहाद, पंजाब में इख्तिलाफ। कराची के साइट इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री के अंदर गैस के अखराज से एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद खवातीन बेहोश हो गई। पेट्रोल पौने 3 रुपए और लाइट डीजल 3 रुपए 8 पैसे फी लीटर महंगा, सीएनजी और एलपीजी की कीमत भी बढ़ गई। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहिदा, अमेरिका पाकिस्तान को धमकियां देने लगा। शकील अफरीदी की हिरासत बिला जवाज है, हिलरी क्लिंटन का बयान। तहरान के खिलाफ कोई भी फौजी कार्रवाई मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा करेगी, व्हाइट हाउस ने इसराइल को खबरदार कर दिया। और इंग्लैंड से शिकस्त पर दिलबर्दाश्ता कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद इलियास का मुस्ताफी होने का फैसला।